सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो उसकी वजह सिर्फ प्रेम है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आज का पंचांग 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि, दोपहर 3:03 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी। राज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को गौरी पूजा और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनु राशि 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने की जरूरत है। आपके परिवार के सदस्यों से थोड़ी दूरी बनाना संभव है, लेकिन यह दूरी आपके और उनके बीच के संबंधों को कम नहीं करेगी। आपको अपने विचारों को सामने लाने और अपने व्यक्तित्व के गुणों को समझने का समय आया है। आपका सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी विचारों को एक मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनलाइन सेमिनारी में भाग लेना आपके विचारों को समाज में प्रभावित करेगा और आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। अनुभव हमेशा अच्छा शिक्षक होता है और आपको इसे समझने का समय आ गया है। भूतकाल के अनुभव से सीखना आवश्यक है ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपट सके। आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे बच्चे हो या बूढ़े। ऐसा करके ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, भले आपको इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। समय परिस्थिति के अनुसार बदलने का नाम है। आपको व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन लाने की जरूरत है और अपनी सीमाओं को समझकर सही रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अपनाने की भी कोशिश करें। सावधानियां, आपके लिए प्रैक्टिकल बनना बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक आदर्शवाद स्वयं के लिए हानिकारक हो सकता है। आज आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। इस समय एकांत या मेडिटेशन का समय निकालना महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने कार्यों को सही ढंग से संभाल सकेंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके होने वाले ग्रहों की स्थिति से स्पष्ट होता है कि आपके भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं आ सकती हैं। इससे आपके प्यार जीवन और करियर दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे आपको अपने पार्टनर के विचारों और वाक्यों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी हर भावना को निष्पक्षता से विचार करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में भी मदद मिल सकती है। आपसे सामंजस्य से घर में शांतिपूर्ण भी माहौल रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति का अपने परिवार पर हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें। बात करते हैं करियर की। अपने कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत होती है ताकि समय निकालकर अपने अतीत के अनुभवों पर ध्यान दे सके। अतीत का मूल्यांकन करते समय हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीजों में हम बदलाव की आवश्यकता अतीत का मूल्यांकन करते समय हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीजों में हमें बदलाव करने की आवश्यकता है और क्या चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि हम अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपनी क्षमताओं के साथ नया करने की भी आवश्यकता है। आपको वही राह चुननी चाहिए जिस पर आप लंबे समय से चल रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उस पर विचार जरूर करें। कार्य क्षेत्र में कोई डील फाइनल होते होते भी रह सकती है। पूजा पाठ आप घर में करवा सकते हैं या कार्यस्थल पर, जिससे काफी हद तक सब ठीक हो जाएगा। आपके सहकर्मियों को आपकी किसी बात से नाराजगी भी रहेगी। यदि ऐसा है तो आपको उस चिंता को दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं सेहत की।
आपके मूड में जबरदस्त बदलाव का महसूस होना एक सामान्य बात है, जिससे आप एक पल ऊर्जावान और अगले ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकती हैं। यह बदलाव आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके आहार और शारीरिक क्रियाकलापों से भी हो सकता है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकती हैं। उनकी सलाह से आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाने और अचानक मूड के परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। इससे आपका मूड स्थिर रहेगा और आप अपने दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। आज का उपाय, गरीबों को आज पके आम दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।